सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो इस समय हम हैं होटल अरोमा में, अरोमा क्लासिक, और यहाँ का एक ब्रेकफास्ट रिव्यू करने वाले। चलिए आपके आप दोनों साथ में करते हैं ब्रेकफास्ट, और आपको इसका रिव्यू भी बता दूंगा मैं। चलिए। सो दोस्तों, ये है इनका रेस्टोरेंट जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेप वाइन एंड द एट्रियम, द एट्रियम लिखा हुआ है, जो ठीक इनके रिसेप्शन के ही बगल में है इनका रेस्टोरेंट। चलिए एंटर करते हैं इनके रेस्टोरेंट में। सो ये देखिए दोस्तों, ये है इनका रेस्टोरेंट, और एम्बियंस भी आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रीफाइंग ब्यूटीफुल एम्बियंस है इनका। और ये जो है प्रॉपर्टी, यहाँ पर पूरा ये रेस्टोरेंट ये ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द स्टार्टिंग, जहाँ पर इन्होंने इसे ब्रेड और इस तरह के पिकल्स वगैरह रखे हुए हैं, एंड विद कर्ड ऑल्सो। एंड इसके जिस बगल में आप देख पा रहे हो इनके नीटली अलाइन प्लेट्स एंड कटलरी, और कटलरी के बगल में ऐसे पिकल्स वगैरह रखे हुए हैं, जो उसके बगल में इन्होंने जूस सेक्शन रखा हुआ है, जहाँ पर टू टाइप्स ऑफ जूस है इनके, एंड द नीटली स्टैक्ड ग्लासेस फॉर द जूसेस। एंड जूसेस के आगे इन्होंने इस तरह के एकम्पनीमेंट्स रखे हुए, जैसे आप सेव वगैरह देख पा रहे हो, सेव मुरमुरा वगैरह, काफ़ी कुछ एकम्पनीमेंट्स रखे हुए। इसके आगे आप देख पा रहे हो, दैट इज़ इन्होंने एक सॉल्टेड लस्सी रखी हुई है, जैसे नॉर्थ इंडिया में दिस इज़ अ डेलिकेसी, सॉल्टेड लस्सी एंड स्वीट लस्सी। तो आप देख पा रहे हो इन्होंने सॉल्टेड लस्सी रखी हुई है, और इसके आगे इन्होंने कॉन्टिनेंटल स्टाइल रखा हुआ है, कॉर्नफ्लेक्स, टू टाइप्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स एंड विद द नीटली अलाइंड बोल्स। अब इसके आगे आप देख पा रहे हो टी एंड कॉफ़ी, अभी मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, ये टी कॉफ़ी बना रहे हैं इस समय, और उसके लिए ये काफ़ी सारे टी बैग्स वगैरह, शुगर काफ़ी कुछ रख चुके हैं ऑलरेडी, एंड विद देयर नीटली अलाइंड कप्स फॉर द टी कॉफ़ी, कप्स एंड सॉसेस दैट इज़। और इसके आगे आप देख पा रहे हो, दैट इज़ द ब्रेड सेक्शन, जहाँ पर इन्होंने वाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड रखा हुआ है, एंड विद द टोस्टर एज वेल, ये भी प्रोवाइड की जाती है। अब इस सेक्शन के दूसरी ओर चलते हैं दोस्तों, अभी ये देखिए, और इसके दूसरी ओर है, ये है नॉन वेजिटेरियन, एक्चुअली मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो इसमें क्विकली देख दिखा दूँगा, बॉयल्ड एग्स, एंड यहाँ पे इन्होंने कलेजी, ऐसे कोई डिश आने वाली है इस समय। तो यहाँ पर ये रखेंगे, और इसके आगे आप देख पा रहे हो, ये है मेन सेक्शन, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और एम्बियंस देखिए, मेन सेक्शन में फर्स्ट दे स्टार्ट ऑफ विद एन उपमा, उपमा एक बार देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए, वाओ, स्टीम्ड उपमा है, काफ़ी बढ़िया उपमा है। इसके आगे पीनट स्क्वायर्स, अभी आना बाकी है पीनट स्क्वायर्स। इसके आगे आप देख पा रहे हो, ये है पनीर बुर्जी, तो पनीर बुर्जी एक बार देख लेते हैं, ये देखिए, और ये फ्रेश बना हुआ है, जस्ट काफ़ी ज़रा स्टीम्ड पनीर बुर्जी। फिर इसके आगे इस तरह का एम्बियंस, और ये देखिए स्टफ्ड परांठा, सो दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन एक्चुअली। स्टफ पराठा भी आया नहीं है, जस्ट वेट कर रहा हूँ, एंड मैं आपको इंसर्ट दिखा दूंगा जब स्टफ पराठा आ जाएगा। तो ये है इनका ब्रेकफास्ट, नॉट अ वेरी बहुत शाही तो नहीं है, बट इन्होंने लिमिटेड आइटम्स रखे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर द हेल्थ। और आपको एक ग्रॉस व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, और दोस्तों ये देखिए, ये है इनका रेस्टोरेंट एम्बियंस, ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए कितना सुंदर मेंटेन किया हुआ है, और एक्सक्विजिट है इनके जो इंटीरियर्स में जो इन्होंने काम किया हुआ है, काफ़ी एक्सक्विजिट है। और ये सारे टेबल्स आप देख पा रहे हो, एंड इवन स्टाफ भी वेल ग्रूम्ड है इनफैक्ट। और ये जो लेके आए हैं, ये है इनका जो नॉनवेज आइटम कलेजी, ये देखिए इन्होंने कलेजी रखी हुई है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये मेनली। और ये सब देखिए, और आपको यहाँ से भी एक व्यू दिखा रहा हूँ मैं ऑफ़ द ब्रेकफास्ट टेबल, ब्रेकफास्ट काउंटर्स। तो हम अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, एंड उसके फाइनली मैं आपको उनका रेटिंग दूंगा, ब्रेकफास्ट जो मेरी तरफ से जो रेटिंग है वो मैं आपको फाइनली दूंगा। चलिए, तो ये है पीनट स्क्वायर्स, जो अभी इन्होंने रिप्लेनिश कर चुके हैं, ये पीनट स्क्वायर्स। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये आप देखिए, नीचे की ओर देखिए, इस तरह के प्लेट्स भी नीचे भी रखे हुए इस ब्रेड के, तो यू कैन पिकअप योर प्लेट्स और कटलरीज फ्रॉम एनीवेयर। ये देखिए कितने खूबसूरत से रखे हुए इन्होंने। तो फ्रेंड्स, यही एक रिव्यू था ऑफ़ द ब्रेकफास्ट एट द अरोमा होटल एट चंडीगढ़। तो दोस्तों, इसे बहुत शाही तो नहीं है, बट लिमिटेड आइटम्स एंड वेरी गुड टेस्ट एंड वेरी हेल्दी। तो इसे रेटिंग के हिसाब से मैं अराउंड 4/5 ज़रूर दे सकता हूँ उसे। सो इट इज़ गुड दोस्तों। सो इससे आपको एक अनुमान आएगा कि यदि आपको चंडीगढ़ आना है तो अरोमा होटल में रुकना है कि नहीं, या यहाँ पर रुकेंगे तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाना है कि नहीं। तो दोस्तों, मेरे इस ब्रेकफास्ट जर्नी को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड हैव अ प्लेजेंट डे। काइंडली सपोर्ट माय चैनल एंड प्लीज रिमेंबर SSLC, विच वुड स्टैंड फॉर Subscribe, share, like and comment.